एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं साइमा पीरजादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं वैक्सिंग स्टैंड अप कॉमेडी। यस, वैक्सिंग के नाम से ही समझ जाएं कि ये वीडियो कैसी होने वाली है। मतलब थोड़ी सी कॉमेडी टाइप तो होगी, लेकिन ये वैक्सिंग वर्ड ना मुझे थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, लाइक इसमें क्या होने वाला है। हाँ, खैर चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं। और ये है अनुभव सिंह बासी की तरफ से। अनुभव सिंह बासी की तरफ से ये वीडियो है बेसिकली। सो देखते हैं कि इनकी कॉमेडी कैसी होने वाली है। सो बिना देरी किए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ना मैं मेरठ से और जाट हूँ, हमें ना बचपन से बताया जाता है कि तुम ना बहुत स्ट्रांग हो। कहता तो नहीं सर है ना, बस बोल दिया स्ट्रांग, मैंने मान लिया। रिसेंटली मेरा ये भ्रम टूट गया। हाँ, मेरे कंधे पे एक बर्थ मार्क है, लेफ्ट शोल्डर पे, वो एक्सपैंड हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि ठीक है शर्ट उतारो बेटा, दिखाओ। मैंने दिखाया, कह रहा खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ मेरे क्लिनिक से। मैं क्या हुआ? वैक्सीन करा के आया, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। तुम्हें पता भी कैसे चल रहा है बर्थ मार्क? सर मेरे तो बर्थ से है ना, बाल बाद में आए थे। मैं घर आया, मैं स्ट्रांग, मैं बहुत स्ट्रांग। मैंने एक बार स्विफ्ट डिजायर की डिक्की जोर से बंद करी, स्विफ्ट बन गई थी वो। मैं इतना स्ट्रांग। मेरे घर से फोन आया, कह रही कि मम्मी ने पूछा क्या कर रहा हूँ, वैक्सीन करा रहा हूँ। छोटी वाली बहन तो सुन के मर गई, कह रही ये सब क्या करा रहे भैया। हाँ, मेरी मम्मी कह रही बेटा कुछ अच्छा सा खाने को बनाया, खा ले एक बार, फिर पता नहीं कब मिले। पापा कह रहे LIC के कागज पे साइन कर। मैं कहा हुआ क्या है तुम्हें, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मैं स्ट्रांग, मैं करा लूंगा अपने आप। वो पता है ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि मेरा कुछ है, मेरे कुछ ग्रोथ कुछ ज्यादा ही है। कौन कौन रिलेट करेगा मुझसे, मतलब समझ रहे हो पाजी, आप समझ रहे हो है कुछ, मतलब कुछ ज्यादा ही है। मतलब कोई भी हाईएस्ट नंबर इमेजिन कर लो आप, तारे गिन सकते हो, इन्हें नहीं गिन पाओगे आप। कुछ कुछ ज्यादा ही है यार ये, मैं रजाई गद्दे भर सकता हूँ इनसे। यार मेरे बाइसेप्स पे बाल हैं, किसी के नहीं होते। बाइसेप्स पे राम रहीम के और मेरे हैं बस। ये वरदान ही हम दो लोगों को मिला है। मुझे तब तक तो कोई आइडिया नहीं, मैं मस्त घूम रहा हूँ चौड़ में। मैंने तैयार हुआ, मैंने अर्बन क्लैब से एक आंटी बुला ली। आंटी आई, वैक्स करके चली गई। नहीं बाजी नहीं, मैं बताता हूँ। मुझे उस दिन पता चला कि ये जो मंजू आंटी आती है ना, ये जो बैग में लेके आती है, ये वैक्स का डब्बा तो फरमान, और ये मंजू आंटी है मौत की सौदागर, ये घर घर जाके मौत बेचती औरत है, इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये प्रोफेशनल हो रखी है, ये घर में आई, इसने कहा हवा यू, देखते हैं दो मिनट। ये आई, इसने आके पहले तो मुझे 5 फ्लेवर दिखाए। हाँ फ्लेवर, कहती इससे करा लो, इससे दर्द कम होता है। मैं कहा दर्द तो होता ही नहीं, सस्ता कौन सा, कहरी इससे करा लो। मैं कहा कर दो। इसने उठाया वो मौत का फरमान,
एक हीटर सा निकाला, उस पर रखा और वो गर्म होना शुरू हुआ। उसमें से निकली लपटे और मेरी फटनी चालू। वो स्विफ्ट वापस से डिजायर बनने लगी। मैं गया, मैंने कहा आंटी आप सेफ प्रोसीजर फॉलो कर रही हो ना, ये तो बहुत डेंजरस लग रहा। कहती गूगल पे पढ़ लो। मैंने गूगल पे तो लिखा ही नहीं है, गूगल पे प्रोसीजर लिखा था। मैं कह तो ठीक है मैं करो। आंटी ने वो गर्म किया, कहती आओ बेटा लेट जाओ, ये खौफनाक कौन सा दिखाओ एक बार। मैंने शर्ट उतारी, आंटी डर गई, कह रही क्या है ये एक जन्म के हैं। कहती बेटा घास काटने की मशीन तो लाई नहीं हूं मैं, घास काटने। मैं कहा आंटी फटाफट करो ना, कह रही बेटा एक आदमी का काम ही नहीं है ये। अर्बन क्लैब में फोन लगा दे, कह रही सुनो सरला को भी भेज दो, और ये जो मैं स्ट्रिप्स लाई हूं ना, इन पट्टियों से कुछ नहीं होगा, एक तिरपाल भेज दो। सरला आंटी आई तिरपाल लेके, पहले तो सरला आंटी की फटी। उन्होंने देखा, कह रही दीदी इसके 1000 एक्स्ट्रा लेना, ये तो मजदूरों वाले काम कर रहा है। का आप दोनों करोगे बस बकचोदी करते रहोगे। एक कर रहे, एक मिनट रुक जा कर रहे। आंटी ने उठाया नाइसिल का पाउडर, वो थोड़ा सा मेरे ऊपर डाला, वो खत्म हो गया। कह रही सरला मैं तुम्हें बताने भूल गई थी सॉरी, इसके घर में आशीर्वाद आटा होगा, जरा लेकर आना। इन्होंने मेरे पे आटा डाला, फिर उठाया आंटी ने वो मौत का फरमान गरम गरम, वो मेरे ऊपर बिछाया ऐसे। उससे वो इतना गरम था कि मेरे निप्पल से मेरी रूह निकल गई। फिर उठाया आंटी ने तिरपाल, तिरपाल मेरे ऊपर बिछाया, फिर दोनों घुटने मेरे ऊपर रख के कहती सरला मुझे पीछे से पकड़ लो। सरला ने मंजू आंटी पकड़ ली, मंजू आंटी ने तिरपाल पकड़ ली, फिर इन्होंने किया 1 2 3 पे तुम मुझे खींचना, मैं इसे खींचूंगा। जब ये 2 पे पहुंचे, मैं कहा आंटी एक सेकंड वेट से। मैं कहा आंटी कुछ होगा क्या। कहती अभी आपको स्ट्रांग होने का सर्टिफिकेट मिला। मैं कहा ठीक। इन्होंने 3 पे तिरपाल खींच दी, मैंने खिड़की की तरफ देखा तो यमराज की भैंस भागती हुई आ रही थी। वो मुझसे आके बोली क्या करा ये, मुझे थोड़ी ना पता था। कहती बेटा इतनी जल्दी मैं आई यमराज कराना भूल गई मैं। यमराज कौन है? आपकी रूह मुझे रास्ते में जाते हुए मिली है। गॉड क्या जबरदस्त स्टोरी थी, अच्छी स्टोरी थी। बहुत कॉमेडी स्टोरी थी, और ये स्टोरी मुझे जहाँ तक समझ आई है ना वो ये थी कि इनको एक बर्थ मार्क था जो कि उसके लिए ये गए थे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को दिखाते वक्त उन्होंने
कहा कि मुझे यहाँ पे बर्थ मार्क है, चेक करें। तो जब चेक किया तो वहाँ पे बहुत सारे बाल थे। नॉर्मली ऐसा होता है कि लड़कों की और आदमियों जो होता है ना, बेसिकली उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। और कुछ ऐसी कास्ट होती हैं जैसे कि हमारी, अगर इंडियन तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में जैसे कि बलोच कास्ट होती है, इनकी मकरानी कास्ट होती है, या फिर मेरे ख्याल से सिंधी, शायद सिंधियों में भी होता होगा, लेकिन सिंधियों का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो हाँ, सिंधियों का भी होता होगा, क्योंकि जब ये लोग शर्ट वेयर करते हैं ना, तो सिंधियों में इतना नहीं होता, ज़्यादातर बलोच जो कम्युनिटी होती है उनका बहुत ज़्यादा होता है कि वो जब शर्ट वेयर करते हैं ना मेल, तो उनके बाल यहाँ से आ रहे होते हैं, मतलब ऊपर बाल आ रहे होते हैं, तो इस तरह की उनकी हालत हो रही होती है। और यहाँ से इतने सारे बाल होते हैं, गुच्छा गुच्छा नज़र आ रहा होता है, तो मतलब कि इस तरह होता है। लेकिन इंडिया में मुझे नहीं पता कौन सी कास्ट में ज़्यादा होता है, तो वैसे ये कास्ट वाइज ज़्यादा होता है। नॉर्मली तो मेल्स में बहुत ज़्यादा इस तरह की होती हैं चीज़ें, लेकिन जो होता है ना कास्ट वाइज अगर मैं बोलूँ तो पाकिस्तान में जो है वो बलोच कम्युनिटी में ज़्यादा पाई जाती है। तो तो अब जो है वो बर्थ मार्क डॉक्टर को नज़र नहीं आया, तो डॉक्टर ने फिर कहा कि वैक्स करवा के आना था। तो इस तरह से स्टोरी स्टार्ट हुई, और काफ़ी कॉमेडी स्टोरी थी, अच्छी थी, बहुत मज़ा आ रहा था देखकर। एंड थैंक यू सो मच सजेशन के लिए, इस वीडियो के लिए। और अच्छा, आते हैं वैक्सीन की तरफ। तो जो वैक्सीन है ना यार, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मतलब कि मरहला जो होता है ना, वो 1-2-3 वाला होता है। वाकई में 1-2-3 वाला जो मरहला होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और स्पेशली जब हम गरम गरम वो जो लगाते हैं ना, तो उसको देख कर ही डर लग जाता है कि यार कहीं ये मतलब लगेगी तो नहीं, कहीं जल तो नहीं जाएगा। और स्पेशली पॉलर वाली क्या करती हैं, वो तो इतनी गरम गरम लगा देती हैं, और बाद में बोलती हैं लग तो नहीं रहा, और फिर उनको बताना पड़ता है कि हाथ जल गया, लग तो नहीं रहा, तो फिर वो थोड़ा सा उसको सही करती हैं टेम्परेचर उसका। और बाकी पाउडर उसकी बॉडी पे इतने बाल थे, मतलब छाती पर, तो जाहिर सी बात है चेस्ट पे जब बाल होंगे तो उतना उसको पाउडर भी कम पड़ गया होगा, तो उन्होंने आटा ही उस पर आशीर्वाद आटा डाल के उसको शांत कर दिया। सो लास्ट में जो 1-2-3 वाला पार्ट था ना, वो वाला बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही फंटेस्टिक, अच्छा लग रहा था, काफ़ी फनी था, कॉमेडी बहुत अच्छी थी, और मतलब बोरियत वाली स्टोरी नहीं थी। और मतलब वो जो गर्ल्स होंगी वो तो ज़्यादा अच्छा खुश हो रही होंगी, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छी एक ये मतलब वीडियो होगी, क्योंकि वैक्सीन मैंने पहले कहा था ये सस्पेंस क्रिएट करिए, अब क्या होने वाला है वैक्सीन में। जो होती है ना फीमेल, अगर वैक्सीन करवाए वो अच्छी लगती है, इन माय ओपिनियन अगर मेल वैक्सीन करवाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। और मुझे लगता है कि मेल को वैक्सीन नहीं करवानी चाहिए। आजकल ट्रेंड हो गया है, लोग अपने हाथों की वैक्सीन करवाते हैं, अपने चेस्ट की वैक्सीन करवा रहे हैं, और अपनी पूरी बॉडी की वैक्सीन करवा रहे होते हैं मेल। सो पहले ऐसा नहीं होता था, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेल्स को अपनी बॉडी का जो वैक्स है वो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जो मेल की बॉडी पर बाल होते हैं ना, वो उनकी खूबसूरती होती है, मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं आजकल के मॉडर्न दौर में, तो मैं तो इसी दौर की हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ पर आजकल लोग मतलब हर किसी की अपनी थॉट होती है। सो ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यमराज वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, यमराज सीन में ना यमराज वाला सीन अच्छा लगा। अच्छा, स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि यमराज कौन है, बेसिकली वो रू जो निकाल लेते हैं, तो वो जो है ना वो यमराज होते हैं मेरे ख्याल से। खैर, इसके बारे में आप मुझे मेक श्योर कर दीजिएगा, क्योंकि वो स्टोरी के एंड में जो इन्होंने बताया है ना, तो उससे मुझे यही लग रहा है कि ये यमराज जो हैं वो जो रूह जान निकालते हैं तो वो होते हैं, मतलब के हिंदुइज्म में। सो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट मुझे लगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और अपना कमेंट बताइए, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे इस वीडियो में, और आपने कभी वैक्स करवाई है या करवाने वाले हैं वो भी मुझे बताइएगा, और क्या ओपिनियन रखते हैं वैक्सीन के अकॉर्डिंगली और इस वीडियो के अकॉर्डिंगली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीर ज़्यादा फ्रॉम कराची पाकिस्तान, बाय। Oh, oh, oh.